अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल करी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सेम, बैंगन, आलू और फूलगोभी। फूलगोभी को हम पानी और नमक में थोड़े देर भिगा के रख देंगे। एक कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच तेल ले लेंगे और उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। मिक्सी जार में हम थोड़े से हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ी सी लहसुन ले लेंगे, टमाटर एक कट करके ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें फूलगोभी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद एक एक करके सारी सब्ज़ी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने हरे बटाने भी ले ली हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सारी सब्ज़ी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, सब ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट इसे पकने रख देंगे। कुछ देर के बाद हम इसमें जो मसाले पीसे थे वो ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। मसाला पक जाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे कुछ देर पकने के लिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे, हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमारी मिक्स वेजिटेबल करी बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।